नमस्कार, मैं आपकी सत्याकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं ए न्यूज़ टुडे। इस समय मौजूद हैं फैजुल्लागंज के वार्ड नंबर 3 में और हमारे साथ मौजूद हैं पार्षद फैजुल्लागंज के पार्षद वार्ड 3 के अमित मौर्य जी। अमित मौर्य जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इन्होंने इन 5 सालों में कितना काम किया है और आगे आने वाले का जो समय है उसमें क्या कुछ उम्मीदें हैं यहाँ की जनता से, क्या कुछ कार्य करना चाहते हैं जनता के लिए, यहाँ की जनता इनसे कितने एक्सपेक्ट करती है। तो चलिए बात करते हैं इनसे। पहले तो आपको ए न्यूज़ टुडे को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बात जनता तक पहुँचा रही न्यूज़ चैनल के माध्यम से, और आप आए इसके लिए आपका भी और आपकी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। 5 साल आपके पूरे हो चुके हैं, 5 साल का कार्यकाल आपका रहा है, जनता का कैसा रिस्पांस मिला आपको, जनता के लिए आप क्या कुछ किए? जनता के लिए देखिए, मैंने हर पहलू पे काम किया, चाहे वो सड़क निर्माण को लेकर के हो या सफाई व्यवस्था को लेकर के हो, और जो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएँ हैं उन सभी योजनाओं को मैंने जमीनी स्तर तक पहुँचाया है। और मैं जानता हूं कि फैजुल्लागंज की जो जनता है वो गरीब परिवार से आती है और वो संघर्ष करके अपना जीवन यापन कर रही हैं कई जगह पर, और तो इन सब लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री की जैसे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाना, तो मैंने लगभग 1000 के आसपास गैस सिलेंडर वितरित करवाए हैं पूरे 5 साल में, और लगभग 30 के ऊपर 2.5 लाख रुपये 30 लोग को दिलवाया है 5 साल के अंतर्गत, और कई योजना जैसे लेबर कार्ड हो गया है और RTE के तहत फ्री दाखिला स्कूलों में दिलवाया गया, अभी भी वो कैंप चल रहा था, और केंद्रीय विद्यालय में भी अब ऑनलाइन कर दिया गया, उसमें भी दाखिला, मतलब कई जितनी भी योजनाएं हैं तो उसको लाभ दिलवाया गया। और प्रत्येक रविवार को हमारे कार्यालय पर सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए एकदम निःशुल्क कैंप लगता है, और बीच बीच में स्वास्थ्य कैंप, जैसे ये भी बैनर लगा हुआ है तो स्वास्थ्य कैंप भी लगता रहता है, मतलब हर चीज़ की जो है मैंने जितनी, और कई NGO के द्वारा, जैसे एक प्लान NGO उसके द्वारा मैंने डिटॉल साबुन, डिटॉल सैनिटाइज़र और मॉर्टिन अगरबत्तियाँ भी वितरित करवाई हैं। तो लगातार सारी जिस हर पहलू पे मैंने वर्क करने की कोशिश किया है, और आगे प्लान है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनका बिल्कुल निःशुल्क कैंप, अभी तो हफ्ते में एक बार लगता है लेकिन मेरे यहाँ प्रतिदिन मैं लगवाऊँगा, और प्रतिदिन जनता दर्शन के द्वारा लोगों से उनसे बराबर संपर्क में रहकर, उनके चाहे पेंशन की दिक्कत हो कि लोगों के पेंशन के फॉर्म भरते लेकिन पेंशन नहीं आती, जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के एक विस्तृत बिल्कुल रूपरेखा तैयार की जाएगी और उसका समाधान करवाया जाएगा। विकास कार्य की बात करते हैं क्षेत्र में आपका, सड़क हो गई, सिविल लाइन हो गई, नाले हो गए, उसमें आपका कितना जनता को रिस्पॉन्स मिला है, कि कितना आपका काम, आप कितने वार्डों में और कितने क्षेत्रों में करवाए हैं, बाकी कितने पेंडिंग? हमारे यहाँ जो फैजुल्लागंज वार्ड 3 में जितने भी मोहल्ले थे हर जगह काम करवाया गया है, और अभी भी कई जगह काम बाकी है, तो आगे जहाँ जहाँ बचा हुआ काम करवाया जाएगा, माननीय हमारे सांसद रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी की प्रेरणा से, माननीय डॉक्टर नीरज बोरा जी के प्रयास से लगातार काम हो रहा है, चाहे डूडा विभाग से हो और चाहे नगर निगम से, मैं बराबर काम करवाता रहता हूँ, और 74वें वित्त से उससे भी काम करवाया जाता है, तो कई जो जितने वित्त हैं, कई जो संसाधन के द्वारा काम करवाया जाता है। क्षेत्र की जनता है, उनका कहना है कि आप क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं देते, उनका आरोप है कि आप क्षेत्र में कभी दिखाई नहीं देते हैं, आप सड़कों का निर्माण नहीं करवा रहे हैं जिसकी वजह से डेंगू जैसी समस्याएँ और जनता को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया कि अभी कई जगह काम बाकी है, अब लोगों के ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्षेत्र में जाना नहीं, जाना हर जगह होता है, जहाँ का बताएं, अभी मैं वहाँ चलूँगा तो लोगों से मैं पूछवा भी दूँगा, जिनसे मुलाकात होती रहती है, मुझे नाम तक याद है वहाँ पर, जिनसे जो लोग वहाँ पर रहते हैं, और सड़क नहीं बनी है, गंदगी है, तो लोगों का आक्रोश ये स्वाभाविक है, ये होना भी चाहिए, और हमारा प्रयास है कि उनकी जो समस्याएं हैं हर समस्याओं का निदान हो, समय भले लगेगा लेकिन निदान हर समस्या का होगा, और पब्लिक अगर नाराज़ है तो स्वाभाविक है, नाराज़ होना चाहिए, उसकी गली नहीं बनी, उसके घर के पानी भर रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि धैर्य रखें, समाधान जरूर होगा और जल्दी ही होगा। कहना है घरों में भी उनके पानी घुस जाता है, हल्की सी बारिश की वजह से पूरा रोड उधर जाम है, नगर निगम का भी वहाँ पे आधा जो सड़क है रोड के उस पार का वो नगर निगम जोन और PWD में आता है, आधा जो है आपके अंडर में, तो आप उसका निर्माण कार्य कब करवाएंगे? उसमें जो सीतापुर रोड के दोनों साइड में समस्या है कि वहाँ पर जो है सीतापुर के दोनों साइड जो कॉलोनियाँ हैं उनकी जल निकासी की व्यवस्था भी सही से हो नहीं पाई है, तो इसके लिए बजट जो है नगर निगम में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ और PWD में दिया गया था कि सीतापुर रोड के दोनों साइड नाला बन जाए,
ताकि उनसे कनेक्टेड नाली जो कॉलोनियाँ उनका पानी नाले के जरिए बाहर निकल जाए, लेकिन बजट थोड़ा बड़ा होने के कारण वो कार्य हो नहीं पाया। मैं जब पार्षद बना था तो पहले वर्ष ही मैंने ये समस्या देख ली थी, इसके समाधान के लिए लेटर लिख दिया था और माननीय विधायक जी का कवरिंग लेटर लगा के गया था, लेकिन कुछ बजट का इशू या अन्य कारणों के वजह से अभी काम नहीं हो पाया, पेंडिंग में है। लेकिन उम्मीद है कि जल्दी ही वो भी काम हो जाएगा और सीतापुर रोड से जुड़ी जितनी कॉलोनियाँ हैं उनके जो जल निकासी की समस्या है उसका भी समाधान हो जाएगा। आगे तक नाला नहीं बनता है तब तक ये कठिनाइयाँ अभी रहेंगी। आगे आपका क्या उद्देश्य है, अगर आपको वापस टिकट दिया जाता है और आगे आपका कार्यकाल रहेगा तो आगे आप जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? जनता के लिए मैं हर पहलू पे काम करूंगा और हमेशा उपलब्ध रहूंगा, जैसा कि मैं रहा भी हूं। और मेरा कार्यालय पे कोई ना कोई रहता है, मैं रहता हूं या कोई ना कोई रहता है, कार्य होता रहता है। और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की जितनी भी योजनाएं, उन सभी योजनाओं को मुझे हर घर तक पहुँचाना है, हर आदमी को उससे लाभान्वित करना है। और ये सफाई व्यवस्था के तो उसके लिए मैंने सोच रखा है कि जैसे कोई सड़क है तो सड़क पे जो इलेक्ट्रिक पोल लगे रहते हैं, तो मेरा जैसे उस सड़क पे ऐसे बुधवार और हफ्ते में दो दिन सड़क झाड़ू लगती है, बुधवार और रविवार, तो पोल पे बुधवार रविवार लिखवा दिया जाएगा, सुपरवाइज़र का नाम मोबाइल नंबर लिखवा दिया जाएगा, ताकि वहाँ गुजरने वालों को, वहाँ रहने वालों को पता रहे कि हाँ इस गली में बुधवार को झाड़ू लगती है। अगर जिस दिन बुधवार को झाड़ू ना लगे तो वो सुपरवाइज़र से संपर्क करे या मुझे संपर्क शिकायत कर दे कि हाँ ये जहाँ झाड़ू नहीं लगी है, तो इससे मुझे अपडेट भी रहेगा कि कर्मचारी वहाँ सफाई करने पहुँचा कि नहीं पहुँचा है, और सफाई भी बराबर होती रहेगी और कर्मचारी पे भी दबाव रहेगा कि हाँ बुधवार दिन लगा लिखा है तो उसको यहाँ बुधवार को आना ही पड़ेगा। तो ये मेरे प्लान में है और मैं इसे करूँगा भी अगली बार, और इसी व्यवस्था के अंतर्गत हर गली में झाड़ू लगेगी और सफाई व्यवस्था दुरुस्त होगी। क्योंकि कई बार होता है इसे बता दिया जाता है कि हाँ बुधवार को झाड़ू लगाओ, वो जाता नहीं जाता, तो मॉनिटरिंग करना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन जब हम लिख देंगे तो पब्लिक उसको मॉनिटर करेगी, हम नहीं करवाए तो पब्लिक करेगी, तो इससे ये लाभ होगा। रसुल्लागंज वार्ड नंबर 3 तृतीय वार्ड आपका लगता है, तृतीय वार्ड में कितने ऐसे जगह हैं जो आपके अंडर में आते हैं? मोहल्ले कॉलोनी कितने मोहल्ले हैं? मोहल्ले तो कई हैं, मैं बताना चाहूँगा, केशव नगर आता है और प्रदर्शनी कॉलोनी आता है, केशव नगर पश्चिम आता है, भरत नगर आता है, मोहिबुल्लापुर आता है, श्रीनगर कॉलोनी आंशिक श्रीनगर आता है, आधा श्रीनगर दूसरे इलाके में है, और कृष्णलोक कॉलोनी है, सत्यलोक कॉलोनी है, संस्कृत नगरम है, स्नेही कॉलोनी है, नायक नगर है, इंदलगंज है, ये सारी इतनी कॉलोनियाँ हैं हमारे वार्ड में। इनमें से कितने ऐसे क्षेत्र रह गए हैं जिसमें विकास कार्य आपका रुका हुआ है? जैसे कि आप अभी बता रहे हैं कि कुछ कॉलोनियों में हुआ है, कुछ में नहीं हुआ है, कुछ जगह पे हुआ है, कौन कौन सी ऐसी कॉलोनियाँ हैं जहाँ पे बचे? देखिए, विकास कार्य कोई एक समय अंतराल पे ख़त्म होने की चीज़ नहीं, ये तो हमेशा बराबर चलती रहेगी। पिछले 5 सालों में आपने जो काम किया है, जो आपका कार्यकाल रहा है पिछले 5 सालों में, उसमें उससे पहले जो पार्षद रहे हैं उन्होंने भी 5 साल अपने दिए होंगे अपने क्षेत्र की जनता को, तो उन्होंने कितना काम करवाया अपने क्षेत्र को, जनता को खुश करने के लिए और क्षेत्र की जनता की समस्या का निजात दिलाया, उस समस्या का समाधान निकाला, और आपने उसके कंपेयर में कितना किया? अब कंपैरिजन तो नहीं किया था क्योंकि उनकी क्या स्थिति रही थी उस समय क्या था अब वो, लेकिन उन्होंने भी अपने प्रयास से अच्छा ही कार्य किया होगा और ज़्यादा ही कार्य किया होगा, और मैंने भी अपने प्रयासरत अपने परिस्थितियों जो नगर निगम परिस्थितियाँ थी, शासन की परिस्थिति, उसके अंतर्गत भी कार्य किया है। और जो ऐसा कि मैं बता रहा हूँ कि अपने माननीय सांसद जी, माननीय विधायक जी का इतना बड़ा सहयोग मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी का इतना बड़ा सहयोग मिला कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य हुआ है, चाहे वो डूडा विभाग के जरिए हो, चाहे वो नगर निगम के अन्य वित्त के जरिए हो, तो काम बहुत हुआ है। की जाए तो नगर निगम की जो गाड़ियाँ हैं, जो कूड़ा उठाने वाले हैं, वो अपने समय पर अवेलेबल नहीं रहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें प्राइवेट जो कूड़े वाले हैं वो रखवाना पड़ता है उन्हें, वो आकर के गाड़ी, नगर निगम की गाड़ियाँ आकर के कचरा नहीं ले जाती, उस पर आपका क्या कहना है? उसमें देखिए, जो कूड़े की व्यवस्था है जहाँ मैं देखता हूँ, तो उसमें जो मैन पावर की कमी की वजह से ये सब दिक्कतें आती हैं। क्योंकि मुझे फील होता है, मैं देखता हूँ कि कूड़े का कार्य आजकल लोग करना नहीं चाहते हैं, हर कोई थोड़ा एडवांस काम करना चाहता है, जैसे कोई कंप्यूटर चलाओ ऑफिस में, तो उन लोगों को ढूंढ पाना बड़ा मुश्किल होता है। अतः जितने लोग हैं वो कहीं 10 दिन काम किया छोड़ के चले गए, अगला दिन आ गया, अगला लड़का आ गया, तो ये सब अव्यवस्थाओं की दिक्कत होती है। अब सरकार और जो भी है वो मशीनें खरीद सकती है, लेकिन मैन पावर नहीं खरीद सकती है। मैन पावर जब ज़्यादा होगा तभी कार्य सही हो पाएगा। इसी वजह से जो है, कहीं घर में 3 दिन में एक आदमी पहुंच पा रहा, गाड़ी पहुंचती है 2 दिन में पहुंचती, ये सब दिक्कतें रहती हैं।
क्योंकि हम गाड़ी तो खरीद सकते लेकिन ड्राइवर होना चाहिए, उसके साथ हेल्पर एक होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसमें शायद सैलरी भी उतनी अच्छी नहीं मिल पाती, इस वजह से लोग थोड़ा इंटरेस्ट कम है, तो मैन पावर की कमी की वजह से दिक्कतें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से इसका सरकार कोई ऑप्शन ढूंढने की समाधान होगा। राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और केंद्र में जो बैठी सरकार है, क्योंकि केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, तो इसका कुछ ना कुछ निस्कारण निकालना चाहिए, क्योंकि जनता को काफ़ी समस्या हो रहा है। आखिर लोग अपने घरों में तो कूड़ा भर के रखेंगे नहीं, उससे भी उन्हें इन्फेक्शन होता है, उससे भी उन्हें दिक्कत होती है, तो उसका निस्कारण निकालना चाहिए ना? नहीं, बिल्कुल निकालना भी चाहिए और प्रयास भी किया गया था। गवर्नमेंट ने अभी 2 साल पहले मैंने देखा था कि वार्ड में एक प्रोजेक्ट आया था कि हर वार्ड में कॉम्पैक्टर लगा जाए, कूड़ा कहीं बाहर ना ले जा करके वार्ड में एक मशीन में उसको काट करके उसको किसी यूज में लाया जाए। लेकिन अब जैसे हमारे वार्ड में तो कॉम्पैक्टर लगाने की कहीं जगह ही नहीं मिल पाई है, और मतलब उसके लिए भी चौड़ी सड़क होनी चाहिए ताकि गाड़ी बराबर आ जा सके और उसके लिए जगह पर्याप्त मिले। तो ये सब कई समस्याएं हैं जो प्रोजेक्ट सरकार करना चाहती है, लेकिन जैसे जगह नहीं मिल पाई तो कॉम्पैक्टर वहीं लग ही नहीं पाया। तो अपने चारों वार्ड में फजुल्लागंज में कॉम्पैक्टर कहीं सही, और बाकी अन्य जगह कई जगह लगे हैं, लेकिन अपने यहाँ फजुल्लागंज में दिक्कत आ रही है। आपके चारों वार्ड मतलब फजुल्लागंज के चारों वार्ड में हाँ कॉम्पैक्टर नहीं लग पाया है। हाँ, तो चाहे वो चौड़ी सड़क का मसला रहा हो या फिर जगह का मसला रहा हो, तो नहीं लग पाया है। तो ये सब जब हम कुछ प्रोजेक्ट बनाते हैं तो कहीं ना कोई कारक ऐसा होता है जो प्रोजेक्ट को रोक देता है या उसमें अवरोध पैदा करता है। जब तक सारे अवरोध खत्म नहीं होंगे तो फिर भी कोई दूसरा ऑप्शन निकाला जाएगा, और आगे सब भविष्य में अच्छा ही होगा। सरकार अच्छी सोच रही है, सरकार की टीम अच्छा सोच रही है, तो कुछ ना कुछ अच्छा बेहतर निकलेगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ फैजुल्लागंज तृतीय वार्ड के पार्षद अमित मौर्य जी। इन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ की जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसका किस तरीके से ये समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें इनके जो विधायक हैं यहाँ के 172 के नीरज बोरा जी, उनका भी काफ़ी सहयोग रहता है, केंद्र और राज्य सरकार का भी काफ़ी सहयोग रहता है। आगे जो जनता का समस्या है उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।